योगी सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों को तोहफा दिया है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में इजाफा कर दिया है। पेंशन राशि को 400 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। इसका फायदा 60 से 70 साल के बीच की उम्र वालों को होगा। लखनऊ के लोक भवन में मंगलवार सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक खत्म होने के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के इन फैसलों के बारे में बताया। योगी के मंत्रियों ने बताया कि इस बैठक में 6 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव निम्न है। रायबरेली में एम्स के लिए निर्माण चल रहा है और 2020 में इस निर्माण को पूरा होना है। वहां पर जर्जर घर पड़े हैं, उन्हें ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर मोहर लगा है। इसके अलावा पीजीआई के डॉक्टरों की एज लिमिट अब 2 साल बढ़ा दी गई है। अब इसके लिए अधिकतम उम्र 35 से बढ़कर 37 साल कर दी गई है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा में सहायक शिक्षा के लिए बीटीसी के साथ अब शिक्षकों को बीएड करने संबंधी निर्णय को आज नियमावली के परिशिष्ट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब वृद्धा पेंशन 500 रुपए मिलेंगे। योगी कैबिनेट ने आज अपने फैसले में 400 से बढ़ाकर इसे 500 रुपए कर दिया। इस साल जनवरी से ये लागू होगा और कुल 41 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब तक 80 की उम्र पार कर चुके लोगों को 500 रुपए की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब 60 साल की उम्र होते होते ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये योगी सरकार का एक अहम फैसला माना जा सकता है।